Bombay Talkies to me was a legendary company. When we think of Raj Kapoor, when we think of Suraiya, when we think of Ashok Kumar, when we think of Hemant Kumar, we think of Bombay Talkies. Bombay Talkies was the biggest studio and film company in the whole of Asia. Today I'm proud to ask you to applaud a 60-year-old legacy which is being revived. Ladies and gentlemen, Bombay Talkies, which was established in 1934, is proud to launch the Bombay Talkies Music Company. Today is a very major red letter day in the annals of Bollywood. I am delighted that with us we have Mr. Bappi Lahiri, who has not only been an old friend and traveler through my journey in the film industry, he's been making great music even before some of you were born. I would request first for Azad ji, Bappi da, our COO, Dr. Mohan Dubey, Manoj Dubey, to light the traditional lamp so that we can get it. Thanks. करता हूँ सारे मीडिया कर्मी मेरे भाई, सारे जो प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ बॉम्बे टॉकीज की तरफ से और श्री गिरीश घनश्याम दुबे जी की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉम्बे टॉकीज एक बहुत ही महान प्रोडक्शन हाउस रहा है और इस प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत लेजेंडरी सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट बहुत बड़े बड़े इस इंडस्ट्री को दिए हैं बॉम्बे टॉकीज ने। तो बॉम्बे टॉकीज के जो फाउंडर थे श्री राज नारायण दुबे जी, श्री हिमांशु रॉय, श्री सुश्री देविका रानी जी, इन लोगों ने एक सपना देखा था म्यूजिक कंपनी का, जो कि पूरा नहीं हो सका म्यूजिक कंपनी का। हालांकि जो आज की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है HMV, 1930s के दौर में उस कंपनी को भारत में लाने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को ही जाता है जी। तालियां होनी चाहिए। 30s के बाद 1934 में सारेगामा जो आज है HMV, उसको भारत में लेके आने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को जाता है। और वो सपना जो है श्री राज नारायण दुबे जी का देखा हुआ सपना, उनके ग्रैंड सन, उनके पोते ने, श्री गिरीश घनश्याम दुबे जी ने उस सपने को साकार किया बॉम्बे टॉकीज घराना नाम से म्यूजिक कंपनी लॉन्च करके। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं।
कहते हैं वो बगिया ही क्या जिसका माली नहीं, वो जीजा ही क्या जिसकी साड़ी नहीं, वो खाना ही क्या जिसमें थाली नहीं, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली नहीं। तो तालियों से थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। और बॉम्बे टाकिस का जो पुनरागमन हुआ है वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया फिल्म जिसका नाम राष्ट्रपुत्र, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा उधर से हो जाएगी बैनर से, राष्ट्रपुत्र। ये जो फिल्म है बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से बनाई हुई फिल्म है, और इस फिल्म में बहुत ही होनहार सैनिक स्कूल से छात्र रहे बहुत ही होनहार और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट श्री आज़ाद, आज़ाद जी को बॉम्बे टॉकीज़ ने ब्रेक दिया है एज ए राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, इज अ मल्टी टैलेंटेड। आज़ाद जी, मैं चाहूँगा आप थोड़ा हाथ हिलाएं, आप पता लगे। और ये बॉम्बे टॉकीज़ ने जैसे कि लेजेंडरी लोगों को इंडस्ट्री को दिया है, तो उसी इंडस्ट्री के एक स्तंभ, एक पिलर हैं हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बप्पी लाहिरी साहब, इनके शुभ हाथों से ये म्यूज़िक कंपनी का शुरुआत होगी इस म्यूज़िक कंपनी की। तो आज़ाद जी प्लीज़ दो शब्द आप बोले, उसके बाद फिर थैंक यू थोड़ा मतलब उस पे प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगी कि आज़ाद जी हमारे बप्पी लहरी जी को एक छोटा सा फूल गिफ्ट करे ऐसा। अब बस मैं दादा से रिक्वेस्ट करूँगी, हमारा इतने सालों का सपना जो आज सच हो रहा है, बस उसका लोगो हमें दिखा दे, हम लोग ने भी नहीं देखा है अभी तक। हाँ हमने भी नहीं, मैं हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए अभी दादा आप हमें भी दिखा दीजिए जल्दी 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 फटाफट। नहीं आपसे रिलेटेड है म्यूजिक। धन्यवाद, मैं मीडिया वाले को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ये ऐसा एक दिन है, बॉम्बे टॉकीज, मैं 48 इयर्स आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म, आई मिस बॉम्बे टॉकीज। सब बैनर में काम किया, एक भी एबीसीडी आप कोई भी बैनर बोलिए, बट मैं आज इतना आई एम सो प्राउड, टुडे आई एम ओपनिंग द बॉम्बे टॉकीज, जो मेरा सपना था जिसमें मैंने ये पिक्चर में राष्ट्रपुत्र में संगीत दिया है। और थैंक यू आज़ाद, थैंक यू वेरी मच, ये बड़े वंडरफुल थिंग, जो हिस्ट्री है, जो सब नाम लिखा हुआ है, हिमांशु राय जी, दुबे साहब और देविका जी, मैं क्या बोलूँ, इन लोग सब हिस्ट्री है, इसमें लीजेंड तो हम लोग सबको ही बोलते हैं, इन लोग लीजेंड नहीं है, ये सब क्या बोलूँ, भारतीय सिनेमा का एक एक इतिहास है, इतिहास ही है, इतिहास से हम लोग संगीत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। एनीवे थैंक्स टू आज़ाद जी टू रिवाइव दिस बॉम्बे टॉकीज, धन्यवाद धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज का एक और ये लक्ष्य है कि नए नए संगीतकारों को, नए नए गायकों को, नए नए आर्टिस्टों को इस मार्केट में लेके आना, और मुझे खुशी इस बात की है कि बॉम्बे टॉकीज ने मेरे बेटे आदित्य शंकर को भी साइन किया हुआ है, बॉम्बे टॉकीज ने आगे की कड़ी में आदित्य शंकर को, क्योंकि होनहार कलाकारों को बॉम्बे टॉकीज आगे ला रही है। दादा प्लीज आपके शुभ हाथों से आदित्य और सो नानवा लेट जाओ, नांदा फ्रेम में नहीं आ रहे हो, सबसे पहले हम लोग म्यूजिक कंपनी बॉम्बे टॉकीज म्यूजिक कंपनी से दो डिवोशनल गाने लॉन्च कर रहे हैं आज, सबसे पहले बिल्कुल धार्मिक। ये मैं दादा से रिक्वेस्ट करूंगी और
राम शंकर शर्म जी से, आजाद जी से, शंकर अच्छा ओके वो अनवेल करे। दादा समोर पुष्कर भाई के कैमरे में बार बार फ्लैश आ रहा नारायण दादा का। वाओ प्लीज क्लैप। ये हमारा इतने सालों का सपना आज सच हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा है। क्या बात है, सबके काम आने वाला। प्रथमं च वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं च विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाश्मं नवमं च भालचन्द्रं दशमं च विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं च गजाननं। गजानन महाराज जी के 12 नाम है इस श्लोक में और उन्हीं के नाम से ये शुरू किया है हमने। बोलते जय पूरा बोलने भी नहीं देते। एक बार माइक देना लो, दान कर लो। वो कौन साहब? नसीम भाई। वो नसीम भाई अब वीडियो के लिए भी। दादा सामने, लेफ्ट टू राइट सर। अब सोलो 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 ले लो। हेलो थोड़ा रिवाब दीजिए। हेलो हेलो थोड़ा ठीक नहीं है। हेलो हेलो वॉल्यूम दीजिए ना सर, वॉल्यूम बड़ा। हेलो हेलो ठीक है चलेगा। आज एक ऐसा खुशी का क्या मैं बोलूँ, बस इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है अगेन बॉम्बे टॉकीज। तो मैं आज ये हनुमान चालीसा का बाद में देखिए रोमांटिक गाना गाना अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये पिक्चर का सुपर डुपर हिट गाना है, जो अमिताभ जी और आशा जी सब लोग आए थे। वही गाना है, थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबके खैर, ओ ना कहूँ से दोस्ती नहीं किसी से वैर, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे बॉम्बे टॉकीज को, प्यार दे आजाद को, प्यार दे। और नया जो गिरीश घनश्याम दुबे का जो बॉम्बे टॉकीज घराना, उनको भी प्यार दीजिए। धन्यवाद, दुआ चाहिए आप लोगों से। नमस्कार, थैंक यू दादा। अब आजाद जी आकर कुछ राष्ट्रपुत्रा के बारे में हमें बताएंगे और उनको उनकी क्या एक्सपीरियंस है बॉम्बे टॉकीज के साथ काम करने पर। प्रिया अतिथिगण एवं समस्त पत्रकार बंधु, आज भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक दिन है। बॉम्बे टॉकीज ने वापसी की है, साथ ही उस सपने को पूरा किया, उस अधूरे अधूरे सपने को पूरा किया है जो बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक ने देखा था। म्यूजिक कंपनी की स्थापना कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो फिल्म राष्ट्रपुत्र लेके हम लोग आ रहे हैं, जो विश्व की पहली बार 26 भाषाओं में बनी फिल्म है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत, देवभाषा संस्कृत में राष्ट्रपुत्र। आने वाले 23 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिवस है। उस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए
हमने जो फिल्म बनाई है राजपुत्रा उसका मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे और रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। इस वक्त यह कहना ठीक है कि जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है पश निरा और मृतक समान है। राष्ट्रवाद की भावना सनातन भारत के गौरव की जो विचार है विश्व के कोने कोने पहुंचाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं, जिसकी पहली परिणति है राष्ट्रपुत्र। और महत्वपूर्ण है कि आज का दिन बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए कहूँगा कितने सालों बाद पुनर्वापसी बॉम्बे टॉकीज ने की है तो उसकी ये यात्रा अनंत काल तक निर्बाध रूप से चलती रहे ये मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आजाद जी के लिए मेरे को एक शेर याद आ गया इजाजत है कि और मैं जो भी गाना बनाया उनको ऐसा क्या मैं बोलूं कैसे पिक्चर है इसे ब्यूटीफुल। तो ये पिक्चर आ रहा है 14 सितंबर 2018। आप लोग और हम इतना प्राउड होता है जब इस तरह की रंग आप आ जाए साइलेंस मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आई एम सो प्राउड टुडे बिकॉज आई हैव डन ऑल्सो 48 years 600 फिल्म्स कंप्लीट। आई हैव वर्क ऑल द बैनर्स ऑफ बॉलीवुड बट बॉम्बे टॉकीज जो है वो एक इतिहास है, उसको रिवाइव किया है आज़ाद ने। और जो हिमांशु राय जी का, दुबे साहब का, सबका जो एक सपना था आज ऑडियो कंपनी खोल दिया, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व महसूस करता हूँ। बिकॉज इज़ अ वेरी गुड बॉम्बे टॉक, इसको तो रहना ही चाहिए। बिकॉज मैं सब जगह में बोलता हूँ आज बप्पी लहरी जो भी कुछ है ये महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद से है। मैं कलकत्ता से आया लेकिन धरती माँ का जो आशीर्वाद है महाराष्ट्र का, जय सिद्धिविनायक बाबा का, और उनको साथ में एक ही कहूँगा ये नाम जो है बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे मेरे लिए बहुत लकी है। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, फिर से इतना साल बाद आया बम्बई नगरिया, मुंबई की जगह मुंबई नगरिया, वो भी सुपर हिट गाना था। तो मैं एक ही बात कहूँगा आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये बॉम्बे टॉकीज, और इस जो पिक्चर अभी कंप्लीट किया है जो मैं अनाउंस किया 14 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है राष्ट्रपुत्र, तो उसमें जो मेरा गाना है 3-4 गाना ब्यूटीफुल, और इन्होंने जो गाना किया एक बहुत सुंदर गाना किया, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को सबको बहुत पसंद आएगा। अभी YouTube में आ जाएगा, सब गाना देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग दुआ कीजिए बॉम्बे टॉकीज के लिए। देखिए मेरा तो जन्म से पहले ही पिक्चर है, आई बॉर्न इन 1953, उससे पहले कितना पिक्चर देखा। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मेरा फैमिली है अशोक कुमार जी, दादा मुनि किशोर कुमार मेरा मामा जी थे, अशोक मामा जी का पिक्चर, अशोक कुमार जी, अच्युत कन्ना, और काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार राज कपूर साहब, सब लोग ही ये पिक्चर से आए हैं। संगीतकार भी देखो हमारा सीनियर मोस्ट सलील चौधरी, हेमंत कुमार, कौन कौन नहीं, सब लोग काम कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे टॉकीज फिर से ऐसी एक हिस्ट्री बने रहे और आज़ाद ने पिक्चर बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल है, इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हमारी, तो पहले इरफान खान जी थे, अभी सोनाली बेंद्रे जी बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, कैंसर हो गया हमें, क्या कहना चाहेंगे, क्या शब्द है आपके लिए? देखिए आज का दिन मैं आई एम वेरी सॉरी, इतना बड़े 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 एक्टर का जो भी होगा, देखिए ये तो मैं मेरा ये दुख का बात आज का दिन का दिन में बोलना नहीं चाहिए, आज एक खुशी का मौका है। आज आज एक क्या है बॉम्बे टॉकीज जय हो, बस बॉम्बे टॉकीज के जय हो। आपके
आप क्या कहना चाहेंगे इस बॉम्बे टॉकीज के बारे में और आपकी किस तरह की मेमोरीज है? जैसे दादा ने कहा कि बहुत सारी फिल्में उनकी भी हैं, तो आप किस तरह की मेमोरीज शेयर करते हैं? तो जो फिल्म में बॉम्बे टॉकीज बनाई, अछूत कन्या बंधन, झूला, कंगन, किस्मत, महल, सैकड़ों फिल्म बनाई, उसी का परंपरा का पालन करेंगे, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, हर जात हर धर्म के लोग फिल्म को देख सके और अपने परिवार के साथ फिल्म बैठ के देख सके, इस भावना के तहत फिल्म हमने बनाई है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि फिर से इसको लाना चाहिए सबके? लाखों लोग चर्चा करते थे बॉम्बे टॉकीज के बारे में, बॉम्बे टॉकीज लेकिन बहुत सी भ्रांतियाँ भी बाजार के अंदर थी, उसको ठीक करेंगे आना जरूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण था कि कौन से सब्जेक्ट पर काम करें, तो आज़ाद जैसे सब्जेक्ट पर काम करना एक चुनौती थी, जो हमने किया दादा साहब का आशीर्वाद, दादा के आशीर्वाद से हमने पूरा किया और फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। हाँ जी, एक गाना हो जाए कोई मेरा, तो इतना याद नहीं, इतना वर्ड याद नहीं है बॉम्बे टॉकीज का गाना, तो एक मैं बन का पंछी, मैं बन का पंछी, मैं बन का पंछी, बन बन बोलू मैं, दादा मुनि गाए थे, एक्सीलेंट। मैं और दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अरे मैं एक चीज बताऊंगा आप लोग को, मैं इतना खुश होकर जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने दे दे प्यार दे गाना गाया। आप लोग को प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आज मैं बॉम्बे टॉकीज के लिए ही कहूँगा खुशी का गाना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, अरे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, बॉम्बे टॉकीज का पिक्चर देखते रहो रहो। थैंक यू, धन्यवाद।